अस्सलाम वालेकुम, मैं कुबरा खान। बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। गुड इवनिंग इन स्टार प्लेयर नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि इन हालात में भी आप तक करोड़ रुपए पहुंचाने का इंतजाम हमने संभाल लिया है। जी हां, जिस तरह से लोग राशन पहुंचा रहे हैं, जिस तरह से लोग चीजें पहुंचा रहे हैं, सैनिटाइजर्स पहुंचा रहे हैं, पीपीईज पहुंचा रहे हैं, हम आपको पहुंचा रहे हैं 1 करोड़ रुपए। और बिल्कुल प्रॉपरली हमने सारे इंतजाम किए हुए हैं, किस तरह से अपने स्टार प्लेयर को यहां पर लाना है, किस तरह से हमने अपने वॉलंटियर्स को यहां पर लाना है, हर किस्म की सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो उनको बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आप लॉकडाउन की सिचुएशन में घर पे बैठकर बोर ना हो और हमारे साथ यहां पर नंबर्स गैस करके पता लगाएं कि हमारा स्टार प्लेयर यहां से 1 करोड़ रुपए आज ले जा पाएगा या नहीं। इन सारी चीजों के बाद हम अपने प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करने लगे हैं और बुलाते हैं सबसे पहले हमारी आज की स्टार प्लेयर, बहुत सारी तालियों में माहम। अस्सलाम माहम, क्या हाल है आपका? खैरियत से? ठीक ठाक। अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम माहम है, मैं नासिर कॉलोनी में रहती हूँ, मैं टीचिंग करती हूँ। टीचिंग करती हैं, क्या पढ़ाती हैं? मैं ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट। कौन से बच्चों को, कौन सी क्लास को? KG1। KG1 को? अरे वाह जबरदस्त, कितने जहरीले बच्चे होते हैं। नहीं, अक्सर टीचर्स का ये रिएक्शन होता है बच्चों के बारे में, बच्चों का सेम रिएक्शन होता है टीचर्स के बारे में। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे। अच्छा, सेम रिएक्शन का सुनते ही आपने कह दिया माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं, बच्चे भी यही कहते होंगे? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं। तो शुरू से यही सोचा था टीचर बनेंगी या ये ऐसे ही? बस ऐसे ही हुआ है। तो क्या बनने का सोचा, क्या था? डॉक्टर। डॉक्टर, अरे वाह जबरदस्त। तो पढ़ाई चल रही है? नहीं, स्टॉप हो। बगैर पढ़ाई कैसे डॉक्टर बनेंगे? स्टॉप करवा दी फैमिली ने। फैमिली ने क्यों भाई? कौन है फैमिली में से, कौन आया साथ? मम्मा। किसने? आंटी, अस्सलाम वालेकुम, माइक उठाएं जरा। क्यों रुकवाई आपने पढ़ाई भाई? बस ऐसे ही रुकवा दी थी। जी ऐसे ही रुकवा दी जी। ये क्या बात हुई, ऐसे ही रुकवा दी भाई? गोल रोटी की जगह चौकोर रोटी या आड़ी टड़ी रोटी भी हम खा लेते हैं, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। दरअसल ये जरूरी नहीं होता, बच्चे जाते हैं और आवाम बातें बनाती है इस वजह से। ओ हो, चले कोई बात नहीं, अल्लाह करे कि आप जो है वो अपनी पढ़ाई दोबारा अपनी इस मेहनत के साथ जो कि आप टीचिंग कर रही हैं उसमें कंटिन्यू कर लें, या फिर यहाँ से अगर 1 करोड़ रुपए आज आप ले जाती हैं तो इसे अपनी पढ़ाई पर लगाएं। ठीक है जी? जी। आप तैयार है खेलने के लिए? जी। ओके, तो हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम, लेकिन सबसे पहले हम उन्हें वेलकम करते हैं जिनके वजूद से हमारी कायनात में रंग है। प्लीज वेलकम हमारी स्पेशल 26 लड़कियां। जी, तो ये हमारा एक चार्ट है, चार्ट आप देख सकती हैं, ये एक फ्लो चार्ट है, बड़ा ही आसान सा। इसमें 26 बैग्स हैं हमारे पास जिनमें 500 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक की रकम मौजूद है। सबसे पहले आप चूज करेंगे अपना लकी बैग जिसमें आपको इस वक्त लगता है कि 1 करोड़ रुपए मौजूद हैं। ठीक है जी? जी। क्लियर है जी? वो आप चूज कर लीजिएगा जब मैं आपसे कहूंगा। तो अभी आप सोचती रहे कौन सा नंबर हो सकता है वो। उसके बाद बकाया 25 बैग्स हम राउंड्स की सूरत में खुलवाएंगे, किस राउंड में कितने बैग्स खुलेंगे वो मैं आपको राउंड के शुरू में बताऊंगा, और राउंड के एंड में यानी जब वो राउंड कंप्लीट हो जाएगा इस फोन पर बैंकर की एक डील आपको ऑफर की जाएगी। अगर आपको लगता है आप अच्छा नहीं खेल रहे, डील करें घर जाएं। ठीक है? अगर आपको लगता है नहीं डील कम है, आप यहां से ज्यादा पैसे ले जा सकती हैं, तो नो डील करके आप गेम कंटिन्यू कर सकती हैं। अगर आपको लगे आपके बैग में पैसे कम हैं, वहां रखे किसी बैग में ज्यादा पैसे हैं, तो आप उस बैग से अपने बैग को जितनी बार चाहे एक्सचेंज कर सकती हैं, जब तक के बैंकर ये नहीं कहता कि बस। क्लियर है? Yes. तो सबसे पहला काम सबसे पहले करते हैं, बताइए आपका लकी बैग आज कौन सा होगा जिसमें अभी आपको लगता है 1 करोड़ रुपए है। नंबर 4। क्यों लगता है? नहीं मतलब लकी बैग है, लकी नंबर है, तो किसी वजह से लकी हुआ होगा ना। माय बर्थडे। आपकी बर्थडे? अरे वाह वेरी गुड। तो देखते हैं कि आज आपकी बर्थडे, आपके डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपके लिए कितना लकी साबित होती है। नंबर 4 प्लीज यहां पर बहुत सारी तालियों में इनके 1 करोड़ रुपए तक पहुंचाइए और यहां रख दीजिए। थैंक यू। तो नंबर 4 कौन से महीने की 4 तारीख है ये? नवंबर। नवंबर, 4th नवंबर। कौन सा स्टार बना है पता ही नहीं, तो ये कैसा स्टार हुआ है इनको पता ही नहीं है? स्कॉर्पियो, मुझे भी नहीं पता था वो सलमान भाई ने बताया, बोले स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो है आपका स्टार। स्टार्स में बिलीव करती हैं आप? पता ही नहीं है तो क्या बिलीव करेंगे? नहीं, है? अच्छा है, करना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल फजूल चीज है। अब आप तैयार हैं जी? गेम कंटिन्यू करें। यस। बताइए किसके साथ आई हैं आज आप यहाँ? मेरी मामा, आंटी से तो बात हो गई, और कौन कौन है? पापा है, छोटी सिस्टर है, कजन है। अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम, सब लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक, आराम से पहुंच गए आप लोग यहाँ पर। अब हम कंटिन्यू करने लगे हैं गेम, और जहां जहां इन्हें आपकी मदद दरकार होगी ये आपकी तरफ आएंगी, आप इन्हें मशवरा दीजिएगा।
ठीक है, क्लियर है? बताइए जी, तो माहम, राइट? यस माहम। पहले राउंड में खुलेंगे 6 बैग्स, बताइए पहला बैग कौन सा होगा? नंबर 11, प्लीज ओपन इट। 1 करोड़, ये क्या हुआ? दोबारा खोलो, खुला रहने दो। पहला ही बैग 1 करोड़। आंटी, पहले ये कौन है जो गुलाबी शर्ट में बैठा हुआ, गुलाबी हो रहा है 1 करोड़ निकलने पे? कजन। कजन? कजन फोन उठाओ तुम, तुम्हारे चेहरे पे इतनी बड़ी मुस्कुराहट क्यों आई है 1 करोड़ निकलने पे? काफी छोटी अमाउंट निकाल है, काफी छोटी अमाउंट निकाल दी, छोटी अमाउंट निकाल दी है। दोबारा खोलो, 1 करोड़ आपने निकलवा दिया, आपने क्या किया पहले बैग में? आप 1 मिनट रुक जाएं, खुला रहने दें, लगाएं जरा बैग। यूनिट खोलो भाई, खुला रहने दो। यूनिट ज्यादा तो नहीं? यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़ नहीं 10 लाख है। तो लेकिन 10 लाख भी बड़ा अमाउंट है, ठीक है? आइंदा एहतियात कीजिएगा, ऐसी बात हमें शौक में आ जाते हैं, बोंगी चला दी, आप लोग ऐसे ही मान गए। बहरहाल टेंशन की बात है, 1 लाख 10 लाख रुपए निकल गए पहले बैग में। बताइए दूसरा बैग कौन सा होगा? दूसरा बैग नंबर 6 नहीं। घर वालों से मशवरा करना है, कौन सा बैग खुलवाऊंगी? किससे पूछ, किससे रहेंगे? मम्मा। मम्मा, आंटी बताएं कौन सा, माइक में बताइएगा। नंबर 9। 9 नहीं तो पूछा क्यों भाई? फिर पूछा क्यों? बड़ी है ना, तो बात तो मानी नहीं उनकी, ये बताने के लिए पूछा है कि देखें आपसे मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, 1 करोड़ मिल जाएंगे मैं डॉक्टर बनूंगी। डॉक्टर 19 ठीक है। नंबर 19 प्लीज ओपन इट। 2.5 लाख, वेरी गुड। तीसरा बैग इस राउंड का कौन सा? नंबर वन प्लीज ओपन इट। 1,000, क्या बात है, वेरी गुड। चौथा बैग इस राउंड का कौन सा? नंबर सेवन श्योर, पक्का? कजन से पूछ लो, कजन कौन से कजन हो तुम? खाला के बेटे, चाचा के बेटे, पुप्पो के बेटे, मामू के बेटे हैं? मामू के बेटे हो, अच्छा ठीक, पुप्पो के बेटे, बताओ नाम है कोई या मामू का बेटा कहके बुलाते हैं घर में? अफजाल नाम है। अफजाल भाई बताएं कौन सा बैग? नंबर 8। ओहो, आपने कहा 7, उन्होंने कहा 8, आंटी पहले 9 कह चुकी हैं, ये पूरी फैमिली 7, 8, 9 के दरमियान 8 खोल रहे हैं। 8, ओके, नंबर 8 प्लीज ओपन इट। 30 लाख रुपए। मामू के घर वाले नहीं चाहते कि तुम डॉक्टर बनो, ऐसा लग रहा है। बहरहाल 2 बैग्स रह गए इस राउंड के जी, बताइए पांचवा बैग कौन सा? नंबर 3। ओके, नंबर थ्री श्योर ना? यस, बट ठीक है, नंबर 3 प्लीज ओपन। 50,000, वेरी गुड। अब इस राउंड का आखिरी बैग बताइए कौन सा? नंबर 17। 17 पे खतरा, आप बिलीव नहीं करती हैं इस बारे में, ये मिसाल जो दी जाती है 17 पे खतरा, आपको लगता है ये मिसाल सही है या गलत है? गलत है ये मिसाल, देख लें फिर 17 पे क्या जा रहा है। ऐसा ना हो इस मर्तबा हकीकतन 1 करोड़ रुपए निकल जाएं, ऐसा हो सकता है। नंबर 13। नहीं, 13 नंबर तो बड़े मनुष्य होता है कहते हैं लोग, कैसे कैसे नंबर ढूंढ रही है ये लड़की है भाई, आंटी इसीलिए डॉक्टर नहीं बनाया आपने है? पता था आपको ये ऑपरेशन में मेंढक को मार ही देगी। 17 नंबर 13 नंबर क्या हो गया? चलो तुम्हारी मर्जी भाई, गेम आपका, बताएं नंबर कौन सा? नंबर 13 प्लीज ओपन इट।
75,000 वेरी गुड यानी कि अब इस राउंड में आपके एक 10 लाख गए हैं और एक 30 लाख गए हैं। इसके अलावा राउंड बहुत ही सेफ रहा, ठीक है जी। तो आप बैंकर की ऑफर लेते हैं, देखते हैं क्या ऑफर है आपके लिए। पहले तो हमने एक 10 लाख रुपए को 1 करोड़ बना के आपको थोड़ा सा डरा दिया था, लेकिन अगले राउंड में हो सकता है कि 1 करोड़ वहां निकल जाए। इसलिए ऑफर सुनिएगा, मशवरा कीजिएगा घर से, अगर लगे कि ऑफर अच्छी है डील करें घर जाए, ठीक है, क्लियर है। तो बैंकर की ऑफर लेते हैं फिर हम। वैसे 4 नंबर में क्या है, बड़ा अमाउंट होगा 1 करोड़ आई थिंक। तो बाकी सारे बैंक एक साथ खुलवा दें? नहीं। क्यों, डाउट है? एक एक करके तो बैंकर कर ले भाई कॉल। आज लग रहा बैंकर की, हमें लगने लगा था बैंकर की आउटगोइंग बंद। हेलो, ओके, डन। छोड़ें गेम, महाम 25 लाख रुपए लें, पढ़ाई करें घर जाएं, डॉक्टर बन जाएंगे आप 25 लाख में। नहीं, अभी मिल रहे हैं 25 लाख, करोड़ रुपए हैं गेम में, लेकिन अगर नहीं मिले तो 25 लाख से भी कम के बैग्स यहां पर रखे हुए हैं, 500 का बैग भी रखा हुआ है। खुदा ना खास्ता अगर आपके पास वो बच गया तो अभी डॉक्टर बनने के पैसे मिल रहे हैं 25 लाख रुपए, ठीक है जी। ऐसा ना हो एंड में खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक के कंपाउंडर बनने के भी ना मिले, तो सोच ले। अम्मी ने तो पहले मना कर दिया था मत पढ़ो, अम्मी इस मूड में ही नहीं है कि तुम्हें पैसे मिले और तुम डॉक्टर बन जाओ, फिर घर का काम कौन करेगा, है ना। तो इसलिए मेड रख लेंगे, डॉक्टर बनने का बड़ी कमाई है अभी तो, आजकल तो डॉक्टरों की लॉटरी लगी हुई है। हाँ बेचारे वैसे तकलीफ में भी है काफी, फिर भी फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं हमारे। नो डील पक्का 25 लाख नहीं चाहिए, ठीक है मर्जी आपकी, बंद कर दें डब्बा, इट्स अ नो डील। हम गेम कंटिन्यू कर रहे हैं और अगले राउंड में खुलेंगे पूरे 5 बैग्स, 2 बैग्स एक साथ बताएंगे आप। नंबर 18 और 23। श्योर? कोई बैग चेंज करना है या 18 और 23? नंबर 26 चेंज करना है। एक्सचेंज करना है? अच्छा अभी एक्सचेंज, फॉरन एक्सचेंज, ये नंबर 4 को नंबर 2 से एक्सचेंज करना है? पहले खुलवा लेते हैं। नहीं, मैं आपसे 2 बैग्स पूछ रहा हूँ खुलवाने के लिए, आपने कहा 18 और 23 जी। उसमें से कोई बैग आपने चेंज करना है? नहीं। अगर मैं कहूँ उन दोनों बैग में से किसी एक बैग में बड़ा अमाउंट रखा हुआ है तो भी आपने कोई एक बैग चेंज नहीं करना? नहीं, दोनों ही खुलेंगे 23 और 18 जी। आंटी दोनों 23 और 18, ठीक है। हाँ भाई कजन, ठीक है ठीक है ठीक है ना, कोई बैग चेंज नहीं करना, बड़ा अमाउंट है निकाल दें इंशाल्लाह, यही होगा। हाँ भाई ननियाल का भी मिशन यही है, तुम डॉक्टर नहीं बन सको, बता दो अभी, खुलवा दें। ओके डन, नंबर 23 प्लीज ओपन इट। 3 लाख, वेरी गुड। यानी अब हमें यह पता चल गया कि नंबर 18 में कोई बड़ा अमाउंट अगर इन दो में से था तो नंबर 18 में ही होगा, है ना। तो हम इस बैग को अभी नहीं खुलवाएंगे, हम इस बैग को खुलवाएंगे इस राउंड के एंड में, ठीक है। अब मुझे बताइए वो दूसरा बैग जो कि अभी खुलना था 18 की जगह, 18 लॉक हो गया, 18 अब आप चेंज नहीं कर सकती, एक्सचेंज नहीं कर सकती, 18 जब मेरा दिल करेगा मैं खुलवा दूंगा। नेक्स्ट बताइए अगला बैग कौन सा हो? 26। नंबर 26 प्लीज ओपन इट। 25 लाख रुपए भी चले गए, ओहो हो गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, टेंशन की जरूरत नहीं, 1 करोड़ रुपए भी बाकी हैं, है ना, और वो नंबर 4 में, ऐसा ही है। अब मुझे बताइए आप नंबर 2 से आप एक्सचेंज करना चाह रही थी या 2 खुलवाना है? एक्सचेंज करना है नंबर 4 को नंबर 2 से। ओके जी, नंबर 2 यहाँ ले आइए और नंबर 4 वहां ले जाइए। आप ये पहला एक्सचेंज कर रही हैं आप, कजन क्या लगता है तुम्हें इन्होंने एक्सचेंज करके ठीक किया है? शायद ठीक करा, ठीक करा। तो नंबर 4 के टाइम पे तुम्हें क्या हो गया था, तुम क्यों नहीं बोले? वो उनकी अपनी मर्जी थी नंबर 4। ये तुम्हारी मर्जी भी नहीं है, ये भी इनकी अपनी मर्जी है। बिल्कुल है, मगर भाई ये भी इनकी अपनी मर्जी है, 4 भी इनकी अपनी मर्जी थी, 4 पे तुमने कहा ठीक किए नहीं था 4, तो तब क्यों नहीं बोले? सूरत हाल नजर आ रही है, बैग खोलने के बाद सूरत हाल नजर आ रही है, सूरत हाल नजर आ रही है। ओके देखते हैं आगे सूरत हाल कहां तक जाती है। तीसरा बैग इस राउंड का माहम बताइए कौन सा? नंबर 12।
नंबर 12, नंबर 12 प्लीज ओपन इट। नंबर 12 में जा रहे हैं 7,50,000 रुपए। जिस तरह से बड़े बड़े अमाउंट्स निकल रहे हैं, 7,50,000 भी इस वक्त एक बड़ा अमाउंट है। दो बैग्स रह गए हैं इस राउंड के। नंबर 18 लॉक हो गया, यानी एक बैग आपने और बताने। चले छोड़े, नंबर 18 इस राउंड में खुलवाऊंगा ही नहीं, अगले राउंड में खुलवाऊंगा। अब आप दो बैग्स इस राउंड के बता दो। नंबर 4 और 20। 4 तो आपने अपने पास, आपकी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। सालगिरह का दिन है ये है? हम भी अगर बच्चे होते, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। वही तो देखने कितने लड्डू हैं इसमें है? वही तो देखने कितने लड्डू हैं। बर्थडे है भाई, खुलेगा तो पता चलेगा। ओ हो, चलो भाई कजन को बर्थडे का गाना सुना दो यार। इतने सारे मैंने सुनाए, तुम एक सुना दो। बर्थडे केक कटने जा रहा है। आपने तो एक भी नहीं सुनाया अभी। सुना है ना एक, आप उनमें से कोई सुना दे। सुनाए जल्दी से, जल्दी। बहुत सारी तालियों में कजन गाना सुनाएंगे, ठीक है? आ जाओ, तालियां भी बजवा दी हमने। चलो सुनाने दे, फिर बजाइएगा। जल्दी सुनाए, बर्थडे केक कटने जा रहा है लड़का, सुनाने का गाने जल्दी सुनाओ। तो फिलहाल कोई याद नहीं आ रहा यार। क्या मतलब है, कसम से इतने कॉन्फिडेंस से बैठे हो तुम, धुंध वाला रोबजा की शर्ट पहन के शहरियों की याद दिला रहे हो। लिखा हुआ गाना सुनाया आप, बर्थडे का गाना। कौन सा गाना माहम बताओ, कौन सा गाना, सालगिरह का गाना बताओ। कजन सुनाएंगे हमें, जंगल में मंगल सुना दो भाई। फिलहाल कोई याद सुनते नहीं है ना बर्थडे सॉन्ग्स, छोड़ दे जाने दे। या सुनना है, है? तो नहीं सुनना है भाई, सुनना है, फरमाइशी प्रोग्राम है, सुनना है। लेकिन कह रही सुनना है, आप क्या करें, सुनना पड़ेगा। आप सुना दे मेरे बदले। है आपके बदले मैं क्या क्या करूं, मुझे बता देना। एक लिस्ट बना के दे दें कि आपने मेरे बदले ये काम करने हैं। आपने किया, मैं उनमें से फिर सिलेक्ट कर लूंगा क्या क्या करना है और गाना भी सुना दूंगा। अभी तो आपने किया नहीं ना, एक ही बोला। सुना है ना कोई सा यार गाना, क्या हो गया, शर्मा क्यों रहे, थोड़ी देर के लिए बेशर्म हो जाए, मतलब वो सुना। मोमानी अच्छा सुना देगा है, बस बता दिया ना मोमानी ने, अब सुना दो क्या हो गया। इसको क्या पैसे काउंट करने के लिए लाए, हम कैश नहीं देते, अकाउंट में जाएंगे। चलो चलो अब तो हेल्प भी मिल गई, सुनाओ। इतने जमाने का करिए कोई, आज आज मेरी सालगिरह है, भोला भोला नहाया। इस तरह का इस तरह का कोई गाना है? आए दोबारा दोबारा, ये क्या भोला भोला, क्या भोला भोला नहाया पत्नी, भोला भोला गाया, नहाया पत्नी पहली बार नहाया क्या। आंटी आप ही बता दे क्या कहना चाह रहा है ये लड़का, बोला बोला ना आया। ये कौन सी साल की रखा गाना है? अब आपने जो बोला है, मैं पैदा हुई थी, मैंने गलती कोई की थी। अच्छा चलो ठीक है, नंबर 4 और नंबर 20 ये दोनों बैग्स हो गए लॉक, और पहले नंबर 20, उसके बाद हम हैप्पी बर्थडे करेंगे, ठीक है जी। नंबर 20 प्लीज ओपन इट। ₹40,00,000 चले गए, 40,00,000 का गिफ्ट आ गया। अब देखते हैं हैप्पी बर्थडे का क्या गिफ्ट आ रहा है, ठीक है। नंबर 4 प्लीज ओपन इट। 5,000, वेरी गुड। यानी अगर अपनी सालगिरह मनाती हैं आप तो यहां से ₹5,000 ले जाएंगे, ठीक है जी। ये तो अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। इसीलिए कहते हैं कि आपका लकी नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, ये जानने के लिए अपने घर वालों से मशवरा करें कि भाई मैं पैदा हुआ या मैं पैदा हुई तो ये अच्छी बात है, ₹1,00,000 का रिस्क ले लें इस बात पे या नहीं। तो ये पहले घर वालों से मशवरा कर लेना चाहिए, फिर पता चल जाता है कि हम कितने पानी में। क्यों भाई कजन साहब? बिल्कुल ऐसा ही है ना। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 26 सितंबर। 26, ओके, वो तो निकल गई, मतलब खुल गया। अब ये राउंड भी हो गया कंप्लीट। नंबर 18 अभी तक लॉक है, मैंने खुलवाया नहीं है। जो ऑफर आएगी उस बारे में गौर से सोचिएगा, नंबर 18 में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हेलो, ओके ओके। माम बैंकर का कहना यह है कि उसे ऐसा मालूम दे रहा है आपने इतने बड़े बड़े अमाउंट्स निकलवा दिए हैं तो आप यहां से ₹1,00,000 भी नहीं ले जा सकती। बैंकर कह रहा है कि हो सकता है नंबर 18 में कोई बड़ा अमाउंट निकल जाए जिसका नुकसान आपको भी भुगतना पड़ सकता है। 25,00,000 आपको कहा था, छोड़े उसे, ₹28,00,000 ले जाएं घर। आंटी की मत सुनो, तुम्हें डॉक्टर नहीं बनाना चाहती। पापा
पापा कह रहे हैं ले लो। ऑफर ली। पापा मना कर रहे हैं। पापा से बात करनी है। माइक भेजे पापा के पास। नहीं नो डील। जी नो डील जी। ओए होए क्यों? हो सकता है शायद आगे कुछ बड़ा अमाउंट मिल जाए। हो सकता है। आपको क्या लगता है नंबर 18 में क्या है? शायद बड़े अमाउंट हो। डील नहीं करनी। 28 लाख रुपए अभी मिल रहे हैं, वहाँ हो सकता है ज्यादा मिले, हो सकता है कम। ये रिस्क लेना चाह रहे हैं? बिल्कुल रिस्क। ठीक है जी, तो नो डील। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, सो नो डील। हम गेम कंटिन्यू कर रहे हैं और इस राउंड में खुलेंगे 4 बैग्स। 2 बैग्स आपने मुझे बताने हैं अभी एक साथ। घर वालों से मशवरा करना चाहें कर सकती हैं। शहर कौन सा बैग लूं? 2 बैग एक साथ खुलेंगे। 2 बैग एक साथ खुलवाने? नहीं, एक एक। तो आपने मशवरा तो देना कौन कौन से बैग्स हैं। कोई 4-5 सेलेक्ट करके बता दें, उसमें से ये बता देंगे। नंबर 22 और 14। और एक दो और ऑप्शन दे दें, ये तो खुद बता दिए। 14। सायरन बज चुका है और आपको बता दें कि इस वक्त आपको रेस्क्यू करने के लिए इनमें से एक पर्सनालिटी यहां पर मौजूद है। हम उन्हें वेलकम करेंगे जब वो यहां पर आए, तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि जो मशवरा वो आपको देने वाली हैं, वो मशवरा आप ही के लिए आपकी फेवर में ही होगा। ठीक है, तो उस पर जरा गौर कीजिएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मथीरा। हमारे साथ खेल रही है। कैसे खेल रही है? अभी तक तो बस ठीक ठाक। हाँ, क्योंकि 40 लाख रुपए तक का अमाउंट निकला है, इससे ऊपर 50, 60, 75 और 1 करोड़ ये सब रहता है। ओके, और इनको लग रहा है 1 करोड़ 2 नंबर में है। हाँ, इन्हें लग रहा है 1 करोड़ 2 नंबर में। आप बताएं आपको क्या लगता है 2 नंबर के बारे में? मुझे लगता है 2 नंबर में नहीं होगा। 2 नंबर में नहीं होगा? That's just a guess. 2 नंबर की वर्थ नहीं है 1 करोड़? No. मतलब क्यों नहीं होगा उस बेचारे में? उसका क्या कसूर है? उसे इतना बदनाम क्यों किया हुआ है? वो तो 2 नंबर ही जाने। यही है ना, क्यों उसे बदनाम किया हुआ है? वो बेचारा भी सोच रहा होगा मैंने किया क्या है आखिर, यार मुझे इतना बदनाम किया हुआ है। 2 नंबर तो नंबर है। हाँ, तो इंसान नहीं है। नहीं है बिल्कुल भी। फिर क्यों कहा जाता है इंसानों को, क्यों कहा जाता है कि यार ये 2 नंबर ही करता है? एक्चुअली इंसान ने नंबर की वैल्यू घटा दी ना। हाँ, या हाँ। वो ऐसी हरकत करता है तो फिर नंबर को बेचारे को जलील होना पड़ता है। यस बिल्कुल, क्या बात है, वेरी गुड। आप दलाई लामा, आप दलाई लामा को भी कोट करती हैं, हमें पता ही नहीं था। माहम, पहले 2 बैग आप बताएंगी, उसके बाद हम मथीरा को इन्वॉल्व करेंगे आपकी हेल्प करने के लिए, आपको रेस्क्यू करने के लिए। ठीक है, तो बताइए मथीरा के आने से पहले कौन से 2 बैग खिलवाने थे? कजन को देखो कैसा स्मार्ट हो गया मथीरा के आते है, पहले यूं बैठा हुआ था अब यूं हो गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिल करें, चिल करें जी। 2 बैग, 22 और 16। 16 और 22। ओके, इन्होंने ये दोनों लॉक कर दिए या ये अभी बता नहीं, 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 इन 2 बैग्स में आपने कोई मशवरा नहीं दिया मुझे? नहीं, इसके बाद जो 2 बैग्स होंगे उनमें हम आपको इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके आने से पहले ही ये चूज कर दिए। कौन से? 22 और 16। आपने 14 कहा था? 14 नहीं, मैं नहीं कह रहा, आपने कहा था, मैं ये बता रहा हूं। 14 22 और 14 से 14 जी बिल्कुल। 22 और 14 जी। दोनों में से किसी एक बैग में बड़ा अमाउंट है चेंज करना है? ओए होए, ओए होए, दिल की धड़कन, ओह माय गॉड, टिक टिक टिक। क्या करना है बताइए? ये क्वारंटाइन नहीं वाला वक्त, हाँ ये माहौल हो गया क्वारंटाइन वाला, क्या करेंगे? नहीं नहीं चेंज करना, चेंज नहीं करना। अच्छा, शायद आपको ऐसा लग रहा है कि ब्लफ हो रहा है ना, अभी मैंने 18 नंबर खुलवाए नहीं है ना, इस वजह से आपको लग रहा है ऐसा ही है ना? है, चलें तो फिर आपके लिए जरा आसानी कर देते हैं। नंबर आपने कौन सा बताया? 14 और 22। 14 और 22 को अभी नहीं खुलवाते, ना ही अभी लॉक कर रहे हैं, अभी मैं खुलवाता हूँ नंबर 18 जो कि पहले से लॉक है। ठीक है, नंबर 18 प्लीज ओपन। 1 करोड़ रुपए चले गए। ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ये राउंड खत्म होने से पहले, इन्होंने सेकंड राउंड में ही ये बैग चूज कर लिया था, मैंने नहीं खुलवाया, ये थर्ड राउंड चल रहा है।
मैंने इनसे कहा बैंकर की ऑफर आने दें, ऑफर लें, अच्छी ऑफर आएगी जब तक बड़ा अमाउंट रहेगा। इन्होंने कहा नो डील 28 लाख जी, इन्होंने कहा नो डील और अब 1 करोड़ रुपए इनके पास नहीं रहे। बहरहाल अभी भी और एक और जा सकते हैं जी, अभी भी जो दो बैग आपने चूज किए हैं, आए चार्ट लगाते हैं, चार्ट पे बताते हैं क्या पोजीशन है। ये है जी चार्ट की पोजीशन, 50, 60, 75, 50 लाख, 60 लाख, 75 लाख, अगर ये तीन बैग्स नहीं है तो 35 लाख, अगर वो भी नहीं तो 20 लाख, यानी बड़े अमाउंट्स जा रहे हैं रफ्ता रफ्ता। अब 22 और 14 में से किसी एक बैग में बड़ा अमाउंट है, चेंज करना है तो कोई एक बैग चेंज कर लो, हो सकता है 20 लाख बचा लो। 5-6 चेंज करते हैं। 5 से किसे? 2 को। 5 से 2 को एक्सचेंज करना है? नहीं, तो वो जो वहां खुलवाने के बैग्स हैं उनका क्या करना है? उनमें से नंबर 17 खोलते हैं, 22 नहीं खोलें। 22 नहीं खोलूं? नहीं, 17 खोलूं? जी। श्योर? यस। ठीक है, तो अब जो बैग्स खुलेंगे वो हैं 17 और 14। 14। यही बैग्स हैं? जी। क्लियर है? यस। क्लियर है? बताएं सही लग रहा है, बताएं माइक में, बताएं ना, माइक लें, माइक लें, माइक में बताएं। ये कंफ्यूज है इस वजह से मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, सही डिसीजन है? कौन सा नंबर बताया पहले? इन्होंने 22 और 16 कहा, फिर इन्होंने अपनी बहन से पूछा और 22 और 14 कहा, और अब ये कह रही हैं 17 और 14। 17 और 14, ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह छोटा अमाउंट होगा। चले मर्जी आपकी, लॉक कर दें जी। ठीक है, दोनों बैग्स हो गए लॉक, 17 और 14। अब बताइए आपने एक्सचेंज करना था अपना बैग जी या नहीं? एक्सचेंज करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 से? अभी हमने कहा नंबर 5 से। नहीं, 10 से करते हैं। आप 10 से करना है? अब वो दो 10 से करना है, ये नंबर 10 से एक्सचेंज कर लिया। अभी एक एक्सचेंज हो चुका है 4 से, सो ये वापस जा रहा है, ये वापस जा रहा है, वापस जा रहा है 10 के। या अभी ये 10, थोड़ी देर पहले 5 कहा था मुझे, जहां तक सुनाई दिया था 5 कहा था ना इन्होंने, 5 अब 10, अब 10, 2 5s are 10, क्या चल रहा है, 2 का टेबल चल रहा है, ये टीचर भी है इसीलिए 5 2 5 10। हां यस, are you sure? 10? Yes, I 10 मंगा ले? Yes. Okay, number 10 यहाँ ले आइए और number 2 यहाँ से वहाँ ले जाइए। एक मरतबा फिर एक्सचेंज कर रही हैं। आंटी क्या लगता है, सही फैसला है? माइक में बताएं ना आंटी, क्या लगता है, सही फैसला है? मेरे हिसाब से तो गलत लग रहा है। इनके हिसाब से बोले गलत लग रहा है, right? अच्छा, आंटी को लग रहा है गलत फैसला है। अब फैसला हो गया, चलो ठीक है, फैसला चलो। अभी वो दो बैग्स खुलवाते हैं जो हमने लॉक किए थे, ठीक है? नंबर 17 प्लीज ओपन इट, नंबर 17 और नंबर 14, ये दो बैग खुलवाते हैं। पर इनमें से कोई एक बड़ी रकम 4 लाख रुपए चले गए, वेरी गुड। नंबर 14 प्लीज ओपन इट, 5 लाख, वेरी गुड। और अब इस राउंड का आखिरी बैग जो कि हम मथीरा से पूछेंगे कौन सा है। जब तक आप सोच रहे हैं अगर आपने नंबर 10 को चेंज करना है तो कर सकती हैं, क्योंकि आंटी को लग रहा है आपका डिसीजन गलत है। मुझे लगता है जी, आपको लगता है, I'll go with number 15। जाइए, अब ये मानती हैं, ये तो इनका फैसला है, अब नंबर 15। हाँ जी, नंबर 15, किससे पूछ, किससे रही है वहाँ? मम्मा, मम्मा को बोले ना, आवाज लगाए मम्मा, नंबर 15 बोला है, ठीक है। पापा, ठीक है, ठीक है, चले आप लोग सोच लीजिए, जब तक हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक इन स्टार प्लेयर। ब्रेक पे जाने से पहले नंबर 15 मथीरा ने बताया था, क्या वो बैग खुलवा दूं? जी। नंबर 15 प्लीज ओपन, 500, क्या बात है, वेरी गुड, थैंक यू मुजीदा। राउंड हो गया है कंप्लीट। आंटी को लगता है आपका डिसीजन है गलत, जो कि आपने नंबर 10 यहां पर मंगाया है। पहले आप नंबर 5 के बारे में सोच रही थी, सोचती रहिएगा जब तक आपका दिल करे। फिलहाल हम लेते हैं बैंकर की ऑफर और देखते हैं इस बार ऑफर क्या आ रही है। हेलो,
ओके, अब सबसे बड़ा अमाउंट गेम में है 75 लाख. ओके 60 लाख भी है लेकिन सबसे बड़ा अमाउंट 75 लाख. ठीक है जी, रहेगा कब तक ये नहीं पता. इसलिए पहले ऑफर इन्हें दी गई थी 28 लाख की, अब दी जा रही है 31 लाख. वाओ, दैट इज अ हेल्दी ऑफर. है ना, दैट्स या उमर इनकी एज 21 में इतना अमाउंट करना इज 31 लाख. लोग जिंदगी लग जाती है तकरीबन तकरीबन सेव करने के लिए 31 लाख रुपए. क्या करेंगे मामा? नो डील. नो डील? नो डील. आंटी नहीं चाह रही है तुम डॉक्टर बनो, मैं बता रहा हूँ. अब मौका मिल गया है तुमको डॉक्टर बनने का, फिर भी आंटी कह रही है नो. मना कर रही है. मना कर रही है. मना कर रही है तो फिर क्या, फिर डॉक्टर तो बन नहीं पाओगी. पैसे आ भी गए तो भी आंटी कह देंगी डॉक्टर नहीं बनो, फिर क्या करोगी? गेम कंटिन्यू ही करते हैं. गेम कंटिन्यू करना है, करें गेम कंटिन्यू. ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, हम गेम कंटिन्यू कर रहे हैं, इट्स अ नो डील. अब इस राउंड में तीन बैग खुलेंगे, एक बैग मतीरा बताएंगी, दो आप. मतीरा पहले आपने बताना है, बैग आपका जब दिल करे आप एक्सचेंज कर सकती हैं. ओके नंबर 5 ठीक है जी, आपने तो एक्सचेंज करना था नंबर 5 से. नहीं, खोल दें. खोल दें जी. ओके, आपने दो बैग्स बताएं. इनको नंबर 5 से एक्सचेंज करना जी. इन्होंने 2 को पहले कहा था 5 से एक्सचेंज करना है, फिर 10 से कर दिया. नंबर 2. नंबर 2 ओके. एंड 25. एंड 25. यस. नंबर 2 25 एंड 5. प्लस हो गया. हो गया. खुलवा दें जी. ओके नंबर 2 प्लीज ओपन इट. नंबर 2 ये बैग आपके पास था, इसमें 10,000 रुपए. 10,000. इससे पहले जो बैग इनके पास था उसमें कितने थे याद है? 5,000 थे ना. हाँ, इनके बर्थडे केक जो है वो हमने 5,000 रुपए में काटा था. इससे पहले आपने जो बैग मंगाया उसमें थे 5,000, उसके बाद जो बैग मंगाया उसमें 10,000. अब इस बैग में मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन अगर उस कैलकुलेशन से देखा जाए तो हजारों की गेम नजर आ रही है इस बैग में. बहरहाल अगला बैग नंबर 5. नंबर 5 प्लीज ओपन इट. 25,000 भी चले गए, यानी जो आप 2 एक्सचेंज करके 10,000 वाला 5 मंगा रही थी उसमें भी 25,000 थे, फिर आपने मंगाया 10. पता नहीं इसमें क्या होगा. कैलकुलेशन अगर आप देखें सीक्वेंस से चलते आए तो हमें लग रहा है हजारों की गेम है. क्यों भाई कजन, ऐसे लग रहा है? माइक में बताएं जी. लग तो ऐसे रहा, ऐसे ही लग रहा है. तुम्हें क्यों मंगाने दिया तुमने नंबर 10? कौन सा रोका क्यों नहीं? अभी बैग हैं और 2-3 बैग के बाद फैसला करेंगे. 2-3 बैग खुलने के बाद फैसला करेंगे. 2-3 बैग में अगर वो अमाउंट ही निकल गया जिस अमाउंट के लिए आपने ये बैग मंगाया तो क्या करेंगे? कोई है जहन में अभी नंबर है ऐसे ही वो चेंज करें ना करें, कोई नंबर ऐसा है जहन में जिससे लग रहा हो कि यार एक्सचेंज होना चाहिए? चलो मोमानी से क्या क्या पूछोगे अपना जहन भी लगा लो. गाना भी मोमानी बताएं, खाना भी मोमानी बताएं, अपने जहन से बता दो भाई. नंबर 7 आपको लगता है नंबर 7 से एक्सचेंज होना चाहिए था. ठीक है जी, एक उनका हमें पता चल गया पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी जहनियत उनकी सोच ये है कि नंबर 7 से आपका बैग एक्सचेंज होना चाहिए था. अगर आपने करना हो कर लीजिएगा. अभी हम देखते हैं नंबर 25 में क्या है. नंबर 25 प्लीज ओपन इट. नंबर 25 में जा रहा है 35 लाख. 35 लाख रुपीज भी चले गए. चार्ट लगाते हैं, चार्ट पे देखते हैं क्या क्या बचा है हमारे पास. अभी हैं 3 बड़े अमाउंट्स हैं 50, 60, 75, लेकिन 20 लाख, 6 लाख, 2 लाख, 1 लाख और 20,000, ये 4 बैग जो हैं ये जरा खतरनाक से हैं. ये निकलवाने हैं आपने. हम कोशिश करेंगे कि मतीरा भी इसमें आपकी हेल्प करें. ठीक है जी जी. बैंकर की ऑफर ले लेते हैं, बैग एक्सचेंज करना हो कर लीजिएगा, ऑफर लेनी हो ले लीजिएगा, आपकी मर्जी. इससे पहले 1 करोड़ पे भी मैंने समझाया था, आप नहीं समझी. हेलो ओके छोड़े 31 लाख, 35 That is a good offer. 35 तो लेनी चाहिए. 35 लाख. 35 लाख में ये अब्रॉड भी थोड़ा बहुत जाकर स्टडी कर सकती है. हाँ, तब तक तो फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो खुल जाएगा इंशाल्लाह. नो डील. नो डील आंटी. क्यों आंटी? हमें डॉक्टर की बड़ी शदीद जरूरत है. इन्हें डॉक्टर बनाए, हमें डॉक्टर्स की बड़ी शदीद जरूरत है. बनने दें इनको डॉक्टर, ले जाएं 35 लाख रुपए. चलें अल्लाह करे ज्यादा पैसे मिल जाएं. भाई गेम में अभी 50 लाख 60 लाख 75 लाख बाकी हैं, क्या पता इनके बैग में उनमें से कोई एक अमाउंट हो, है ना.
और हर राउंड के शुरू होते ही आप बैग एक्सचेंज करवा देती हैं। आप ये डिसाइड कर लीजिएगा कि किस बैग में बड़ा खतरनाक बैग्स के साथ एक्सचेंज करती हैं। और वो ही बैग उस राउंड में खुलता है जो इनके पास होता है और उसमें जो अमाउंट निकलता है इनको खतरों का खिलाड़ी नहीं होता है, खतरों का खिलाड़ी होता है। माय नेम इज खान वाला पकवान इनको वो बनना है। क्या बनना है? आपने मिसाल दी है, कंप्लीट करें। किसका खिलाड़ी? हम नहीं समझे। कोई नहीं समझा भाई। कोई नहीं समझा। तो मुझे भी बता दो। चलो मैं बताएं ना, खिलाड़ी कौन सा खिलाड़ी, पहले ये बताएं। वो गेम चलती रहेगी, खिलाड़ी कौन सा? यार अच्छा, खतरों का खिलाड़ी कौन सा? खतरों का खिलाड़ी किसका? कतले मछली के होते हैं। हाँ, कतलों का खिलाड़ी कौन होता है? नहीं बोल सकती। अच्छा, ख छोड़ो ना, बोले ना, रो बस ये काफी है, क्योंकि बीच में यही लफ्ज था जो कि इधर उधर हो जाता तो गड़बड़ हो जाती। बहरहाल 35 लाख चले। नोडी ये डब्बा आपकी गेम है जी, हम क्या कर सकते हैं, बंद कर दो। इट्स अ नोडी, हम गेम कंटिन्यू करेंगे और खुलेंगे दो बैग, दोनों महाम बताएंगे। समझ फिर खोलना। हाँ, और नंबर 10 में तो है ना बड़ा अमाउंट। नंबर 7 or 24 जी। क्यों? एकदम कुछ लोग बहुत टाइम लगते हैं, यू नो, चूज करने में। ये बिल्कुल ये फिक्स कैलकुलेशन चल रही है इनकी। 2-5 मिला के 25 बना दिया, 24-7 को इन्होंने डिवाइड किया, 7 और 24 कर दिया। हाँ, ये होता है ना रेडियो स्टेशन वाला 24/7, ये 24/7 इन्होंने मिला दिया। 11 पहले ही खुल चुका है ना, ये 7/11 कर दे। 7/11 हाँ। तो 7 और 24 लॉक कर दें। 7 वो तो कह रहे थे एक्सचेंज कर लो, उसमें कोई बड़ा अमाउंट है। मुझे लग रहा है बड़ा अमाउंट है। लग रहा है उन्हें अभी भी के बड़ा अमाउंट है 7 में। बड़ा अमाउंट 22 में होगा। तो 22 में होगा, 22 में क्या बड़ा अमाउंट होगा? 1 करोड़ रुपए तो निकल गए। 60 लाख से तो 22 यहां मंगाएं, छोड़ें 10 वहां भेजें। बिल्कुल तो खुलवा दें। ओके डन, नंबर 24 प्लीज ओपन। $20,000 वेरी गुड। 7 नंबर 7 ओपन, देखते हैं कजन का मशवरा। 1 लाख बहुत अच्छा हुआ, नहीं माना, बहुत अच्छा हुआ इनका मशवरा नहीं माना आपने, और बेहतरीन तरीके से आपके 20,000 और 1 लाख निकल गए। चार्ट पे देखते हैं अब हमारे पास खतरनाक नंबर, कौन से नंबर मतीरा? नहीं, मैंने कहा अब हमारे पास खतरनाक नंबर कौन से हैं? कौन से? वही वाले नंबर, वही वाले खतरनाक वाले। 2 लाख, 6 लाख और अब तो 20 लाख भी काउंट हो गए। आई थिंक अगर ये 3 बैग्स ढंग के खोल ले ना तो ये अच्छा जाएंगी। हो सकता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस वक्त बैंकर की ऑफर जो आएगी उस बारे में भी इन्हें सोचना चाहिए। तगड़ी ऑफर आएगी, तगड़ी ऑफर आनी चाहिए। 35 लाख रुपए की तो ऑफर आपको इससे पहले दे चुके हैं, अब उससे तो ज्यादा आनी है ऑफर, 35 से तो ज्यादा आएगी। देखते हैं कितनी ज्यादा है। हेलो, ओके, ओके, माहम 40 लाख लो, छोड़ो आंटी की बात ना सुनो, उन्होंने तुम्हें डॉक्टर बनने से भी रोका था। 40 लाख रुपए लेके जाओ, घर में बैठो, खुश रहो। हो सकता है तुम्हारे बैग में इससे बड़ा अमाउंट हो,
लेकिन हो सकता है कि इस बैग में इससे छोटा अमाउंट भी हो। जितनी तेजी से तुम एक्सचेंज करवा रही हो सकता है बड़ा अमाउंट एक्सचेंज करवा के तुमको छोटा अमाउंट मंगा लो। और ये रकम भी गिर सकती है। बिल्कुल, सोच लो 40 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, बड़ा जबरदस्त। अंकल क्या ख्याल है, 40 लाख सही है ना? बताएं पापा। पापा को माइक दो भाई, कदम थोड़ी मेहनत करो, पापा को माइक दो। आ गया, गया हमारा वाला बंदा भी आ गया। है हमारे पास भी है। जी नहीं आगे तक कह रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह बेहतर करेगा, बिल्कुल अल्लाह बेहतर कर रहा है। 40 लाख रुपए बेहतर नहीं है आपके लिए? नहीं ये तो है, है फिर पर चले आगे तक चले। तो ये भी तो आपके लिए अल्लाह ने बेहतरी की है। बिल्कुल, बिल्कुल, और कौन कर सकता है। 40 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं कन्फर्म? वहाँ हो सकता है बड़ा अमाउंट मिल जाए, हो सकता है छोटा अमाउंट। छोटा अमाउंट हाँ, नसीब तो रिस्क क्यों ले रहे हैं? ऐसा नसीब क्या, ये भी तो नसीब है 40 लाख रुपए का, ये क्या बदनसीबी है? नहीं नहीं बिल्कुल। फिर वो लालच है ये। हाँ मैं बता रहा हूँ, तुम्हें डॉक्टर बनना है तो तुम्हें खुद सोचना है, बताओ क्या करना है। देखो डॉक्टर बन जाओगी तो फिर तो अच्छे खासे पैसे 1-2 करोड़ तो आ ही जाने ना, कोई टेंशन ही नहीं है ना। कौन सा वैसे कौन सी डॉक्टर का स्पेशलिस्ट, किस किस्म का स्पेशलिस्ट क्या सोचा था? हार्ट स्पेशलिस्ट, ENT, बोलो कितना बना थे? डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट सबसे ज्यादा बनाते हैं। और जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं आधे से ज्यादा पैसे तो मतीरा ने दिए हुए उन्हें। हाँ जी ठीक है जी। हार्ट स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, ओ गुड। दिल का डॉक्टर, डॉक्टर दिल का डॉक्टर। तो 40 लाख रुपए में आपका दिल का डॉक्टर तैयार? नहीं नहीं, डील और नो डील? नो डील। नो डील, बंद कर दीजिए डब्बा। ओके सर, नो डील। हम गेम कंटिन्यू करेंगे, दो बैग्स खुलेंगे, एक बैग मतीरा बताएंगे, एक बैग माहम। मतीरा आप पहले बताएं। 16 16। माहम क्या लगता है 16 ठीक है? ओके अपना बैग बताएं। ये समझदार है शुक्र, लोग तो मुझसे लड़ रहे होते हैं। नहीं आपको क्या पता। मैं रेस्क्यू करने के लिए आई हूँ। ये वो हो गया, आप अपने स्विमिंग पूल में डूब रहे हैं और ट्रेनर आपको बचाने के लिए आ रहा है, तुम्हें क्या पता? तो भाई मैं ट्रेनर हूँ, हो गया तुम्हें पता क्या है? नंबर 21। ओके नंबर 21, नंबर 16 लॉक, नंबर 16 प्लीज ओपन इट। नंबर 16 में देखते हैं क्या जा रहा है। 2 लाख। वेरी गुड, थैंक यू। और नंबर 21 प्लीज ओपन इट। ₹20 लाख रुपए भी चले गए। गुड 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 भाई, क्या हुआ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अभी तो अब आपके पास 50 लाख, 60 लाख, 75 लाख, ये तीनों बैग गेम में मौजूद हैं। सिर्फ एक छोटा अमाउंट है, वो निकालना है ठीक है। बैंकर की एक और ऑफर ले लें या नहीं? नहीं रहने दे। नहीं लेनी बैंकर की ऑफर पक्का? अब ये बोलिए बैंकर कौन, छोड़ो। कोई बैंकर की ऑफर नहीं, ऐसा ही है। Yes. Done? तो फिर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक एक मरतबा फिर, आपको जानदीप कहते हैं स्टार प्लेयर में। और आज की हमारी स्टार प्लेयर माहम हमारे साथ खेल रही हैं और बड़ी जबरदस्त गेम खेल रही हैं। 75 लाख रुपए भी गेम में बाकी हैं, 60 लाख भी बाकी हैं, 50 लाख भी बाकी हैं और एक छोटा अमाउंट है गालिबन 6 लाख, ऐसा ही है जी भाई? 6 लाख का बाकी है ना हसन साहब, आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ 6 लाख का ही अमाउंट बाकी है। बिला वजह हम क्यों चार्ट लगाएं, हमने कहा ऐसे ही प्रोडक्शन टीम से ही पूछ लेते हैं। तो बताइए बैंकर की ऑफर ले लेते हैं, क्या पता अच्छी ऑफर आ जाए। ट्विस्ट आ जाए गेम। हेलो ओके डन, छोड़े 40 लाख, 50 लाख का डब्बा है, 45 लाख रुपए लें। 45 लाख रुपीज खेले, क्या करेंगे खेले? वैसे लगता तो मुझे भी है खेलना चाहिए क्योंकि अब रिस्क फैक्टर बड़ा ही कम है। डील लूं? अगर 6 लाख का अमाउंट नहीं होता तो आपके पास 50 लाख का अमाउंट है सबसे छोटा। 25% रिस्क आपका, 75% आप इस 45 लाख से ज्यादा अमाउंट बड़ा ले जा सकती हैं यहाँ से।
लेकिन कोशिश करें बड़ा अमाउंट क्या ना हो, है ना, इसमें बड़ा अमाउंट हो। नो डील। नो डील, बंद कर दीजिए डब्बा, इट्स अ नो डील। हम गेम कंटिन्यू करेंगे और अब खुलेंगे दो बैग, बताइए कौन से। नंबर 9 एंड 22। नंबर 9 एंड 22, सोच कर खोलो थोड़ा। नंबर 22 में आपको लगता था कोई बड़ा अमाउंट है? नहीं, छोटा होगा। एक्सचेंज करना है 10 से 22 को? आपने पहले कहा था बीच में एक बार कि आप 22 से जो है वो 10 एक्सचेंज करना चाह रही हैं, करना है? 6 से कट दें इसे। 6 से एक्सचेंज करना है आपको? ओके, ठीक है, 6 से एक्सचेंज करवा देते हैं, नो इशू। पहले 9 और 22 खुलवा देते हैं जी, ठीक है, या पहले ड्रास्टिकली इन्होंने ठाठा, आपने 10 खुलवाना है तो पहले एक्सचेंज करवा दें, करना क्या है, एक्सचेंज पहले करना है या एक्सचेंज के बाद भी 9 और 22 ही खुलेंगे? 9 और 22। तो 9 और 22 पहले खुलवा देते हैं, फिर आपके जो है वो बैग एक्सचेंज करवा देते हैं। नंबर 9, प्लीज ओपन इट। 50 लाख रुपए चले गए, बड़े अमाउंट में से एक बड़ा अमाउंट चला गया। नंबर 22, क्यों आपने नंबर 22 लॉक करवाया? आपसे पहले भी मैंने कहा था दो बैग में से किसी बैग में एक में बड़ा अमाउंट है, वो 22 था, आपने छोड़ दिया था, फिर आपने कहा नहीं। नंबर 22 प्लीज ओपन इट। नंबर 22 में आपने कितना नुकसान कर लिया अपना, देखिए 60 लाख रुपए चले। आपने अपने हाथ से अपनी गेम को पलट लिया, अब रिस्क फैक्टर हो गया है 50-50, या तो गेम इधर या गेम उधर। गेम में मौजूद सिर्फ दो अमाउंट, 6 लाख और 75 लाख। रिस्क बहुत बड़ा है, मैं कहता हूं बैंकर की ऑफर लेते हैं, बहुत बड़ा रिस्क है। और आपको लग रहा है कि उसमें 75 लाख है? हाँ, मुझे इन्हें लग रहा है उसमें 75 लाख है, 75 लाख इसमें है या उसमें है, ये तो तब पता चलेगा जब ये बैग लॉक करेंगे। अभी इन्होंने कहा एक्सचेंज करने का, लेकिन बैंकर की ऑफर हम पहले ले रहे हैं 75। ओके, माहम आपको 45 लाख की ऑफर दी गई थी इससे पहले, आपने कहा नो डील। उस वक्त गेम में मौजूद थे 50 लाख, 60 लाख और 75 लाख। अब गेम में मौजूद सिर्फ दो अमाउंट, 75 लाख और 6 लाख। डिफरेंस बहुत बड़ा, लाइक मिलियनेयर और जीरो। हाँ, बहुत बड़ा डिफरेंस है, इट्स लाइक हाफ अ मिलियन एंड 7.5 मिलियन। डिफरेंस बहुत बड़ा है, इसलिए अब आपकी ऑफर भी कम होगी। बैंकर ने अभी जो आपको ऑफर दी है वो पिछली ऑफर से कम है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये ऑफर कम है तो मैं ये ऑफर ना लूं, ये जरूर सोचिएगा कि डिफरेंस कितना बड़ा है। अब आपकी ऑफर है 31 लाख, 31 लाख रुपए, मतलब 31 लाख, 3.1 मिलियन। नहीं, डेंजर है, डेंजर तो है, एक तरफ 6 लाख है, एक तरफ 75 लाख। क्या करना है, हम बैग एक्सचेंज भी कर सकते हैं, ऑफर भी ले सकते हैं, 6 एक्सचेंज कर सकते हैं। 31 लाख नहीं, क्या है 6 महीने लगता है, 75 लाख है, 31 लाख, 31 लाख ऑफर नहीं लेनी, नहीं रिस्क लेना है आपने जी, ठीक है, नो डील कर दीजिए। ओके, इट्स अ नो डील। हम उम्मीद करते हैं कि आपके बैग में जो अमाउंट है वो 75 लाख हो और आपका बैग है अब नंबर 6। नंबर 6 यहां ले आइए और नंबर 10 वहां ले जाइए प्लीज। अच्छा, इस डिसीजन से आपके घर वाले तो सहमत हैं, क्योंकि आंटी ने भी पहले कहा था नंबर 10 आपने मंगा के गलती की है, आपके कजन ने भी यही कहा था कि नंबर 10 आपने मंगा कर गलती की है, ऐसा ही है, ऐसा ही है माहम जी। 6 यानी आपको लगता है ठीक है, आपकी फैमिली को भी लगता है ठीक है, ऐसा ही है आंटी। तो अब जो नंबर 6 में है वो आपका है, जो नंबर 10 में है वो आपका नहीं है, क्लियर? Yes. लॉक कर दें, कर दें, लॉक कर दें, या अभी भी एक्सचेंज करना है या बैंकर की कोई ऑफर ली जाए? लॉक कर दें। आंटी नहीं चाहती तुम डॉक्टर बनो, बैंकर की ऑफर लूं? ऑफर लेनी है, चेक कर लो, लेके क्या ऑफर, चेक क्या कर लो भैया, क्या जूते का साइज दिखा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा देख लो, चेक कर लो पहन के आ रहा, चुप तो नहीं रहा तो भाई, मूड है ऑफर का 31 लाख से बढ़ा के, तो बताएं इतने की होगी तो कर लेंगे ऑफर, अच्छी होगी तो मूड। कितनी अच्छी? 50 प्लस 50 प्लस
कितनी प्लस? 60 तो है? 60 लाख? नहीं नहीं, 60 कम हो जाएगी यार, 75 लाख रुपए तुम्हारे बैग में। एक काम करते हैं, 74 लाख की लेते हैं ऑफर, ठीक है? तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और ज्यादा अच्छा हो जाएगा ना। हाँ ये सही है, तो फिर 1 लाख रुपए का नुकसान है, नंबर 6 में 75 है, इसी के साथ चले जाते हैं। है ना, ठीक है ना, ट्राई करके देखते हैं, रिक्शे खोलें इंशाल्लाह। खोल दें? नो डील। नहीं तो डील है ही नहीं आंटी, अभी डील का तो हम पूछ रहे थे कि बढ़वाएं या नहीं, आपने कह दिया नहीं, तो अब ये लॉक हो गया बैग, डन। नंबर 10 प्लीज ओपन इट। एक मिनट मदीरा, आपको क्या लगता है, अपनी राय, एडवाइस? अब आपकी राय काम नहीं आएगी क्योंकि ये बैग लॉक हो चुका है, लेकिन फिर भी क्या कहती है दिल की धड़कन? मुझे थोड़ा सा शेडी लग रहा है। शेडी लग रहा है? अच्छा जी, मदीरा को लग रहा है कि ये नंबर 6 है तो इसमें 6 लाख होंगे, भारी पड़ेगा शायद। मदीरा ने डरा दिया, मदीरा कह रही है इसमें 6 है तो 6 लाख होंगे, ऐसा है तो फिर इसी बैग को खोल लेते हैं, क्यों? Maybe hoping for the best इनके लिए। क्या है इसमें? 75 अंकल लग रहा है ना, 75 है ना, और मैक्सिमम ऑफर तुम्हें आई थी 45 लाख तक की, वो भी तुमने छोड़ दी, फिर उसके बाद 31 लाख की भी ऑफर आई थी, तो छोड़ करके तुमने बहुत अच्छा फैसला नहीं किया। 6 लाख रुपए तुम्हारे बैग में है माहम, बड़ी कोशिश की मैंने कि तुम यहां से ज्यादा पैसे ले जाओ, लेकिन खैर नंबर 10 खोल दीजिए, देखिए 75 लाख वहां जा रहे हैं आपके अपने बैग में थे, आपके अपने बैग में थे, उसके बाद आपको इतनी अच्छी ऑफर आई माहम। बहरहाल 6 लाख रुपए आप यहाँ से ले जा रहे हैं, आंटी नहीं बन रही लड़की डॉक्टर, ठीक है? बहुत सारी तालियां माहम के लिए, तो आंटी ने डॉक्टर नहीं बनने दिया था, डॉक्टर बनना था, खैर वो जिस वजह से आंटी ने रोका वो वजह भी बड़ी वैलिड है, क्योंकि बच्चे इतने सारे सबको जो है वो माशाल्लाह से डॉक्टर तो नहीं बनाएंगे, ऐसा ही है ना, तो किसी को पेशेंट भी बनना होगा, तो वो हम बन जाएंगे, टेंशन ना लें, आप डॉक्टर बनाएं, आप अपनी टीचिंग के जरिए और ये 6 लाख रुपए मिलाएं और अपनी पढ़ाई को जो है वो कंटिन्यू करें, साथ साथ पढ़ाती भी रहें, पढ़ती भी रहें और एक अच्छी बेहतरीन डॉक्टर बन के, फुलटुस डॉक्टर, ठीक है ना, वो मुन्ना भाई वाला नहीं, घुटने के डॉक्टर को नहीं मालूम गले में क्या चल रहा है, फुलटुस डॉक्टर बनना है, ठीक है? डन हो गया आंटी, अब तो बनने देंगी ना आप? ओके, तो मदीरा बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस लॉकडाउन सिचुएशन में भी जो है वो यहाँ अपने फराइज अंजाम दे रही हैं, थैंक यू सो मच मदीरा के लिए, बहुत सारी तालियां, और नाज़रीन आप सब लगा दोगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, चल देना, अल्लाह हाफिज। घड़ी की टिक टिक लगने लगी बवाल, चलो थोड़ा सा टिक जाएं और सबसे टॉक करें, घर बैठे पूरे पाकिस्तान को एंटरटेन करो, चाहे गाएं पकाएं खाएं, बस दुनिया को बताएं कि ये बोरियत कैसे मिटाएं, उठाएं मोबाइल और बनाएं 2 मिनट की वीडियो और इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और देखें कौन होगा विनर, टिकटॉक बॉय, टिकटॉक हीरो, टिकटॉक हीरोइन, टिकटॉक किड्स, टिकटॉक फैमिली, टिकटॉक आंटी, टिकटॉक अंकल, टिकटॉक कपल, टिकटॉक फ्रेंड्स, सिर्फ पाकिस्तानी कंटेंट की वीडियोस को ही टॉप 5 में शामिल किया जाएगा और विनर को मिलेंगे बेश कीमत इनामात। द टिकटॉक शो, घर बैठे करोड़पति, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।